दोस्तों, वोवो यूके 04 में आपका स्वागत है। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश है और आज भी हाई अलर्ट यानी कि रेड अलर्ट कल घोषित किया गया था। दोस्तों, आज भी काफ़ी बारिश हो रहा है तो मैं आपको बारिश का व्यू और अन्य व्यू के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, मेरे साथ बन रहे बारिश का व्यू। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है और रुक रात भर से हो रहा है, तो इस व्यू को आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी टेम्परेचर भी डाउन है इस वक्त, बादलों के साथ साथ थोड़ा अन्य व्यू के साथ भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर व्यू है और मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, बारिश काफ़ी ज़्यादा है। मौसम देख सकते हैं दोस्तों, बादलों के साथ और बहुत ही खूबसूरत व्यू आप लोग देखें यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है मॉर्निंग में। वक्त बारिश भी है, आज दिन भर ही बारिश है। मेरे ख्याल से आज भी रेड अलर्ट है और काफ़ी ज़्यादा बारिश है। यह है बारह पत्थर का एरिया और यहाँ से ये है इस प्रॉब्लम का पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ब्यूटीफुल नेचर और इसको मॉर्निंग में आए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये जगह है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बारह पत्थर पर। और जैसे कि बारिश पे मैं आया हूँ और यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है, कल रात से बारिश हो रहा है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा राइट पे निकला हूँ तो आपको ये व्यू दिखा सकूँ, इसलिए का व्यू। बारिश में काफ़ी बारिश हो रहा है कल रात से। तो इस वक्त दोस्तों, मैं थोड़ा बारह पत्थर आया हूं और इसको शूट करने के लिए प्योर नेचर आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये व्यू और ये है बारह पत्थर पे सेल्फी पॉइंट। आप यहां पर आकर यहां से इस व्यू का बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद ले सकते हैं दोस्तों। और इस व्यू और बारिश रात भर से हो रहा है, रुक रुक कर बारिश है और बारह पत्थर पे आना होगा। यहाँ से हम जाएंगे किसी को दिया है 2 किलोमीटर और यहाँ से रोड बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग नीचे जा सकते हैं बारह पत्थर से रुकान। और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, इस तरह का माहौल छाता ही छाता दिखेंगे। और मेला लगा था और मेले का सामान सब उठ चुका है, मेला ख़त्म। और देख सकते हैं यहीं से आप मार्केट के ओर जाएंगे और ये रहा मार्केट। यहीं पर दोस्तों गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा का भी दर्शन हो सकते हैं। मार्केट में बारिश में कुछ इस तरह का हाल रहता है, तो आप लोग ये देख सकते हैं मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट बारिश में सब ढका हुआ दोस्तों, आप लोग देखेंगे मार्केट का हाल, क्योंकि बारिश में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। मैं ठंडी रोड पर हूँ, ठंडी सड़क इसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बारिश यहाँ पर भी है, पूरी नैनीताल में बारिश है, 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश है। वो आप देख सकते हैं ठंडी सड़क का नज़ारा। और यहाँ से आप आगे जाएंगे तो दोस्तों ताल नज़र आएगा, झील। तो झील में देखते हैं, पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है तो मैं आपको झील दिखाने वाला हूं। और ये ठंडी रोड से नीचे जाएंगे, यहां से नीचे जाने का रास्ता है। और ये देख सकते हैं यहां से बोटिंग होती है दोस्तों। बारिश काफ़ी हो रहा है तो आप देख सकते हैं पानी बहुत भरा हुआ है। तो ये है ठंडी सड़क के पास, यहाँ से आपको झील दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों देख सकते हैं जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए बारिश का व्यू, पूरी नैनीताल में बारिश है काफ़ी ज़्यादा।
और हल्की हल्की हो रही है दोस्तों, और रुक रुक कर ही हो रहा है, लगभग कंटिन्यू ही है, इतना भी नहीं रुक रहा। तो ये है बारिश। तो दोस्तों यहीं पर नंदा देवी मंदिर भी है और ये टेम्पल के बगल से ही मैं शूट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये है थाजोक, इसको कहते हैं झंडा। तो ये बुद्धिस्ट झंडा है दोस्तों, इसे कहते हैं थाजोक। ठंडी सड़क में गर्मियों में कभी भी आए तो इसका नाम ही ठंडी सड़क है, और काफ़ी ठंडा रहता है और शांत रहता है, और यहाँ काफ़ी गर्मियों में आनंद लेने के लिए पैदल मार्ग है और काफ़ी शांत रहता है यहाँ ये ठंडी सड़क का रास्ता। और यहाँ पर बोर्ड देखिए दोस्तों, बोर्ड पे स्टैंड भी यहीं से होगा। तो यहाँ पर झंडा देखिए दोस्तों इस तरीके से, और यहीं पर मंदिर भी है, और ठंडी सड़क जाने का मार्ग यहीं से ही आपको वो होगा। यहाँ से बोट के लिए भी यहीं से स्टैंड है दोस्तों, बोटिंग। जलस्तर काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी यहाँ देख सकते हैं इतना ऊपर, थोड़ा नहीं तो ऊपर ही चढ़ने वाला पानी, इतना बारिश है। और कल दिन भर, रात भर से आज भी रात भर दिन भर और 7 और 8 तारीख को कंटिन्यू बारिश है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये व्यू, और यहीं से आपको नंदा देवी का दर्शन भी यहीं से हो सकता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और ये झील में पानी की बढ़ोतरी काफ़ी हुई है। तो इस तरीके से आप देखें,